कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मुट्ठीगंज स्थित कार्यालय पर जहां अपने विधानसभा क्षेत्र की जरूरतमंद महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन भेंट की। वहीं पटरी दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैंडकार्ट वितरित किया। इस अवसर पर नंदी ने कहा कि आज के समय में महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। उनके आत्मनिर्भर होने से समाज में बदलाव आएगा और एक नए समाज का निर्माण होगा। वहीं महिलाएं अपनी पहचान बना सकेंगी। मंत्री नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने कहा कि महिलाओं के साथ ही जरूरतमंद पुरुषों को भी आत्मनिर्भर बनाने की योजना उन्होंने बनाई है। इसी के तहत शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के सब्जी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैंडकार्ट दे रहे हैं। नंदी ने बहादुरगंज निवासी संगीता देवी, कीटगंज निवासी बबिता गुप्ता, नैनी निवासी श्याम कुमार मिश्रा, मुट्ठीगंज निवासी शनि गुप्ता और सादियापुर की रहने वाली गायत्री देवी को हैंडकार्ट दिया। वहीं मुट्ठीगंज निवासी सोमा गुप्ता, कीटगंज निवासी मीना देवी, मीरगंज चौक निवासी गीता पटेल, डेंडी नैनी निवासी गुड़िया देवी और सादियापुर निवासी पूनम प्रजापति को सिलाई मशीन वितरित किया। देखिए, आप सब लोग विदित हैं और जानते हैं कि आज से ठीक 13 साल पहले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा मेरे ऊपर रिमोट बम से हमला किया गया था। उसमें हम सबके बहुत प्रिय भाई पत्रकार साथी विजय प्रताप की मौके पर डेथ हो गई और एक सिविल गनर की डेथ हो गई और मैं 7 दिन कोमा में रहा। 7 महीने मेरा इलाज चला, मैं बच के आ पाया। तो मैं जीवन को भगवान का दिया हुआ पुनर्प्राप्त जन्म ही मानता हूँ। ऐसे अवसर पर भगवान शिव जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था ठीक उसी समय से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं, थैंक्स करते हैं। सावन का पवित्र महीना था जिस समय में बम ब्लास्ट हुआ था। लोगों ने मेरा खून बहाया और कई लोगों का खून बहा, कई लोगों की डेथ हो गई। हमने ये निश्चय किया कि हम रक्त दान करके, एक कैंप लगा करके, ब्लड डोनेट करके लोगों की जान बचाने का काम करेंगे और 12 जुलाई को हम बड़ी संख्या में, पिछली बार भी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट करने का काम किया। हमने भी, मेयर साहब ने, अभिलाषा जी ने, निवर्तमान मेयर महापौर और मेरे बच्चों ने भी, हम लोगों ने ब्लड दिया और बहुत सारे हमारे समर्थक साथियों ने दिया। कल भी ब्लड बैंक का, ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है और आज वो गरीब लोग जो सड़क किनारे रेड़ी पटरी पर काम करते हैं उन लोगों को भी स्मार्ट ठेला, एक अच्छा सुंदर स्वचलित ठेला की वो अपनी, चाहे सब्जी भाजी की दुकान लगाना हो, चाहे चाट पकौड़ी की दुकान लगाना हो, चाहे चाय ब्रेड मक्खन की दुकान लगानी हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिनको सिलाई मशीन, सिलाई कढ़ाई आती है उनको सिलाई मशीन, वो भी मोटराइज सिलाई मशीन, एक हाथ वाली आती है, एक पावदान वाली, एक मोटराइज मशीन आती है, मोटराइज सिलाई मशीन, हाईटेक मशीन और स्वचलित, जिससे उनकी दुकान भी अच्छी लगे और कहीं जाम जुम न लगे, वो इधर उधर भी कर सकें, ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक सिंबॉलिक तरीके से दिया जाए। पर हर मेरे जन्मदिन के दिन मैं कोशिश करता हूँ 100 बहनों को आत्मनिर्भर बनाऊँ। हमारा 5 मंडल में जो विधानसभा है उस विधानसभा से, हर विधानसभा के मंडल से 20-20 आदमी चिन्हित करते हैं, तो 20-25-100 लोगों को सिलाई मशीन, 100 लोगों को ठेला देने का काम करते हैं। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ने जिस तरह से मेरा जीवन बचाने का काम किया है, इनके जीवन में तमाम खुशियाँ और तमाम समृद्धि आए, आत्मनिर्भर बन सकें, किसी के सहारे न रहें, व्यापार करें। व्यापार करने के लिए भी पैसे की जरूरत है तो उसमें भी हम मदद करते हैं। अखिलेश यादव का बयान आया है, उन्होंने इस दौरान पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, महानगर उपाध्यक्ष अनिल केसरवानी झल्लर, लल्लू लाल गुप्ता, मंडल अध्यक्षगण रणविजय सिंह, दिनेश विश्वकर्मा, मनोज मिश्रा, दिलीप केसरवानी,
किशोरी लाल जायसवाल, विजय श्रीवास्तव, अनिल भट्ट, अजय सिंह, गौरव गुप्ता, सुनील कुमार चढ़ा हिंदुजा ग्रुप, समाज सेविका रेखा गुप्ता और दिल्ली एवं लंदन से आए डेलीगेट शामिल हुए।